लॉकडाउन में भी नशे का अवैध कारोबार चल रहा है। पुलिस को जब इसकी जानकारी लगी तो उसने छापा मार कार्रवाई की और शराब के साथ विस्फोटक और पटाखे भी जब्त कर लिए। अवैध रूप से नशे का कारोबार करने वालों के लिए तो ये लॉकडाउन वरदान साबित हुआ है। रीवा जिले के अतरेला थाना क्षेत्र में पुलिस ने दो अलग अलग दुकानों में छापामार कार्रवाई करते हुए एक महिला और एक पुरुष के पास शराब और पटाखे बरामद किए हैं। खोहा गांव की सुशीला गुप्ता तथा रंगगढ़वा गांव के राजकुमार साहू लोगों को दोगुने तिगुने दामों पर अवैध रूप से शराब बेच रहे हैं। अतरेला थाना प्रभारी एस के शुक्ला को मुखबिर से यह जानकारी मिली तो पुलिस टीम ने तत्काल दबिश देकर दोनों को पकड़ा और शराब पटाखे और विस्फोटक जब्त किया। हमारे में पुलिस स्टाफ द्वारा मेहनत कर कार्रवाई की गई है। एक महिला है श्रीमती सुशीला गुप्ता, वाइफ ऑफ सत्यानंद गुप्ता, चौखंडी की रहने वाली है। इसके पास से 60 पौवे देशी मजरा के तथा एक राम कुमार सना राम निरंजन साहू श्रीराम गढ़वा के रहने वाला है। इसके पास से 90 पाव देशी मसाला दारू वो बरामद की गई। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।